कल जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में पहले हमें बताइए कि घटना कैसे अंजाम दी गई। अभी जब यहाँ आए हैं तो मौका का मुआयना किए हैं, सीसीटीवी फुटेज पूरा डिटेल में देखे, ऑफिसर से बात किए और देखने के बाद ये लगता है कि ये प्री प्लान्ड अटैक है। और कल जब शाम में 7:45 जो वसीम वार साहब अपने रिलेटिव के यहाँ से घर वापस आए तो पहले घर में ऊपर गए, उसके बाद दुकान पर आए, उनके पीएसओ सारे अपने रूम में चले गए। जिस टाइम दुकान में आए उस टाइम उनका भाई था, उनका उनके फादर भी वहाँ पर थे और मिलिटेंट एक आया, पिस्टल से बहुत क्लोज रेंज से फायर किया जिसमें तीनों आदमी को वाइटल पार्ट यानी सर में गोली लगा है, उनको हॉस्पिटल ले गया, रास्ते में उनका डेथ हो गया। हम लोग द्वारा अफसोस करते हैं और ये मिलिटेंट को हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ये लश्कर तोबा का ग्रुप के मिलिटेंट है, उसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है, एक लोकल मिलिटेंट है और जिसका नाम आबिद है। हम लोग इंटरनेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस मिलिटेंट को पुलिस आर्मी सीआरपी मिलकर इसको न्यूट्रलाइज कर लेगी। सर ये एक प्रोटेक्टिव पर्सन था जैसा हमने सुना है कि 10 पीएसओ उसको बिल्कुल ये बड़ा से बिल्कुल नजदीक हम अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट जो थाने में जो मेरा सीसीटीवी कैमरा था उसी में पूरा इंसिडेंट को कैद किया गया। हम लोग देखे, मैं जस्ट देख रहा हूँ, हमारे साथ आर्मी के ब्रिगेड साहब भी है, सीआरपी के कमांडेंट साहब भी, सब मिलकर देखे हम लोग, एनालिसिस किए कि सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं थी, 2 सिक्योरिटी विंग से था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से 8 था, टोटल 10 सिपाही थे। उस टाइम में उनके घर में 8 सिपाही था जो मोर देन इनफ होता है, अगर 2 पीएसओ भी उनके साथ रहता तो शायद ये लोग मिलिटेंट को मार लेता। तो ये हमारे साइड से हमारे जवान से चूक हुई है, इसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एसपी साहब ने कल 10 को सस्पेंड कर दिया है, उसको हम लोग सर्विस से डिसमिस कर रहे हैं और ऑलरेडी अरेस्ट हो गया है। सर कितने मिलिटेंट्स आए थे अटैक करने के लिए, आपको नंबर बता सकते हैं? उसमें एक मिलिटेंट जो फायरिंग किया नज़दीक से, एक मिलिटेंट जो है वो दूर से उसको गाइड कर रहा था, जो स्पॉटर जिसको कहते हैं हम लोग। सर आपको लगता है मिलिटेंट प्रेजेंस यहाँ पर है इस हिसाब से कि इतने क्लोज जहाँ प्रोटेक्टेड पर्सन है और थाने के बिल्कुल नज़दीक है यहाँ पर हमला कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मिलिटेंट का प्रेजेंस तो रहता ही है। मिलिटेंट में पहले कह दिया कि प्री प्लान अटैक लग रहा है, प्लानिंग करके, क्योंकि जो मिलिटेंट जो उसका स्पॉटर है, जब ये घर से गाड़ी में बैठ के गया अपने ससुराल गए हैं उस टाइम भी एक लड़का दिख रहा है कि जिसको वॉच कर रहा है, जो वॉच वापस आए उसमें वो दिख रहा है इसको, तो सीसीटीवी फुटेज से लग रहा है कि प्री प्लान अटैक है और मिलिटेंट का प्रेजेंस था तब तो अटैक हुआ है। लेकिन कोई बात घबराने की कोई बात नहीं है और हम लोग इसको जल्दी खबर को डेवलप करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। हाजी साहब ये बीजेपी समेत बाकी जो भी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनके लीडर्स की सिक्योरिटी इस अटैक को देखते हुए आप रिव्यू करेंगे क्या, क्योंकि ये बहुत ही फोर्टिफाइड एरिया में ये हमला हुआ है? देखिए जिनको जिनको स्पेसिफिक थ्रेट है उनको हर एक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड है, जैसे आज का इंसिडेंट जो कल शाम में हुआ है इनको भी सिक्योरिटी था। बाकी अगर किसी पॉलिटिकल वर्कर हो या कोई हमारे सरपंच पंच हो कोई हो, अगर किनको स्पेसिफिक थ्रेट मिलता है तो हम लोग अपील हरदम करते हैं कि आपने एसपी से मिलिए और उनको प्रोवाइड किया जाएगा। सर कितने लोग थे, व्हीकल कौन सा इन्होंने यूज किया और कितने यूज किए लोग थे करेंगे व्हीकल जी? नहीं नहीं उस जो फुटेज देखने से लगता है कि मिलिटेंट कोई व्हीकल आया, वो पैदल आया है। सर बांडीपुरा में अपनी नियत का ये पहला ऐसा अटैक है किसी पॉलिटिकल आदमी पर, तो आपको लगता है कि किसी ये पॉलिटिकल आदमी को सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है? देखिए सिक्योरिटी बढ़ाने से कम करने से इंसिडेंट नहीं रुकता है, फ्रेंकली जो भी जवान जो भी सिक्योरिटी पर्सन है वो कितना अलर्ट है और कितना बहादुरी से फाइट करता है ये मैटर करता है। 8 लड़का बहुत होता है, एक सेक्शन का स्ट्रेंथ है, अगर हमारे 2 सिपाही इनके साथ रहता तो शायद मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज कर लेते हम। और इस अटैक में 2 मिलिटेंट इन्वॉल्व है, एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है, एक लोकल है, लोकल का नाम आबिद है जो लश्कर तोबा से बिलोंग करता है, एक पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी आइडेंटिफाई हुआ है। सर सर इस अटैक के बारे में बताइए, ऑलरेडी बता चुके हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए